अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काजमी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। नेशनल T20 कप रावलपिंडी में जारी है और उसके अंदर जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस रही हैं, खासकर अगर हम बात करें वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड मेंबर्स की, तो उनमें से काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं वो अपने मेयार पर पूरा नहीं उतर पाए हैं। अब तक जितने टूर्नामेंट के मैचेस हुए हैं, किसी खिलाड़ी ने 3 मैच खेले हैं, किसी ने 2 खेले हैं, लेकिन अब तक जो उनकी कारकर्दगी रही है वो खासी मायूसकुन रही है, जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठाए जाने लगे हैं। पहले तो लोग ये बातें कर रहे थे जब कौमी टीम की अनाउंसमेंट की गई थी वर्ल्ड कप के लिए, और उसके अंदर जो है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, लेकिन कहा यह जा रहा था बोर्ड की जानिब से भी कि इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है उसके अंदर जो है वो उनका मौका देकर देखा जाए कि वो आया परफॉर्म करते हैं या नहीं। लेकिन अब जब नेशनल T20 कप का इनेकाद हुआ, क्योंकि वो दोनों सीरीज़ तो कैंसिल हो गई, और अब जब उनको मौका मिला खेलने का, तो वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर भी जो है वो उस लेवल और उस मेयार पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी उनसे तवक्कोआत की जा रही थी। और अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग अलग जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी सिलेक्शन कमेटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश है इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी से, और साथ में जो है वो कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी से नाखुश हैं, और उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को भी इस बात का कहा है कि वो कुछ मुमकिन तब्दीलियां जो हैं वो स्क्वाड के अंदर करें और उसको किसी ना किसी तरह बैलेंस करें, ताकि वर्ल्ड कप के लिए जो है वो पाकिस्तान की तैयारियां बेहतर अंदाज में हो सकें और जो स्क्वाड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 खेलने जाए उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी शामिल हों। इसी बारे में कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर शुएब मलिक, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने लीग क्रिकेट खेली है और दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले T20 फॉर्मेट के अंदर खिलाड़ियों में उनका शुमार भी होता है, टॉप खिलाड़ियों के अंदर उनका नाम है, और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शुएब मलिक को जो है वो किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। शुएब मलिक ने हाल ही में जो है वो नेशनल T20 कप को ज्वाइन किया है सेंट्रल पंजाब की टीम को, और पहले ही मैच में उन्होंने 24 रन भी स्कोर किए। उनकी ग्राउंड में जो प्रेजेंस थी उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल पंजाब की टीम मजबूत नज़र आई, और वो अपने खिलाड़ियों को जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पर उनको भी मशवरा देते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से जो है वो कहा जा रहा है कि क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेबल बदल नहीं है, तो कुछ खिलाड़ी टीम के अंदर ऐसे होने चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हों और अपने एक्सपीरियंस से पाकिस्तान की टीम की मदद कर सकें। साथ में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की PSL फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर जो है वो रमीज राजा ने अपना विजन शेयर किया कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो आगे ले जा सकते हैं, एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की जो हेड है उनको, तानिया मलिक को, फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, उनको आज उनकी तैनाती मंजूर हुई है और उनको जो है वो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का हेड बना दिया गया है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इन तमाम डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस भी करते हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि बहुत सारे सवालिया निशान अब उठने लगे हैं कौमी टीम की सिलेक्शन पर। पहले तो जब कौमी टीम को सिलेक्ट किया गया था, अनाउंसमेंट हुई थी उसको, उस टाइम पर जो है वो इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का एक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हमारे सामने मौजूद नहीं था रिसेंट, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी सामने नज़र आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं हम इन सवालिया निशान को उठते हुए? जी मैं शुक्रिया आपका। एक तो पहली बात ये, आपने जितना कुछ बात की मैंने सुनी सारी, के इमरान भाई ने ये बात की और ऐसा कुछ अपने व्यूज दिए, जी इस टीम पे उनके इतने वो नहीं है अच्छे व्यूज, तो मैं उन चीजों को, वो तो जो लोग कह रहे हैं बातें वो देखें उनका अपना व्यू, मैं अपना व्यू दे सकता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम ये टीम अनाउंस हुई उस वक्त ही मुझे इतना अच्छा ये स्क्वाड नहीं लगा था, और स्क्वाड इस वजह से नहीं लगा था कि अगर आप उठा के देखें, जैसे ही ये जो वेन्यू चेंज हुआ इसका, तमाम टीमों ने अपनी अपनी जो है तैयारियां शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने जो है देखा कि जी जिस वेन्यू पे हम खेलने जा रहे हैं उस लिहाज से टीम को उन्होंने तश्कील देना शुरू की। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें इतना अच्छा नहीं रहे, लेकिन फिर भी चले हमने गए। लेकिन जब ये टीम स्क्वाड अनाउंस हुआ तो जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारे क्या लैग कर रही हैं, कौन सी चीजें लैग कर रही हैं, ठीक है दो आदमी स्कोर कर रहे हैं हर जगह कर रहे थे,
और वो मिडिल ऑर्डर हमारा फेल हो रहा था और वो अभी तक नहीं संभल पाया है। फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छी है, वो तो सर्वाइव करेगी। स्पिन अटैक भी हमारा बुरा नहीं है, स्पिन अटैक अच्छा है जिस लिहाज से, जिस जगह पे किया जा रहा है। जाहिर है शादाब इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहरहाल एक सीनियर होने के नाते उनको रखा हुआ है। अगर परफॉर्मेंस की जहां तक बात आती है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है उनकी तो फिर उनको भी बाहर किया जाना चाहिए था। अच्छा, अब आते हैं हम इस पे कि ये स्क्वाड क्या है। ये स्क्वाड कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये सोए मकसूद, ये सब ने किया हुआ। ये नहीं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सवाल ये है कि आया इस टीम में क्या लूप होल है, क्या कमियां हैं। कमियां ये है कि देखिए, जिस इवेंट के लिए हम आ रहे हैं वहां हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। हमने सीखा, ठीक है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी टीम है और ऐसा है ऐसा ऐसा, मेरा व्यू ये है कि इसमें दो तीन चेंजेस हैं होनी चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस का, जैसा आपने खुद भी बताई अभी बातें, शोएब मलिक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और इन जगहों का अच्छा प्लेयर है जहाँ पे वेन्यू हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें ओपन में भी कुछ नजर आना चाहिए। अब हम पे लोग चढ़ाई ये करते हैं कि जी वो दोनों आदमी स्कोर कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, आप टीमें जब बनती हैं ना तो बहुत सी चीजें आगे पीछे करनी पड़ती हैं। आप स्कोर तो कर रहे हैं, आप अभी अपनी टीम को भी नहीं जिता पा रहे हैं। आप कहा के देख लेना, आपने 70-70 किए, मैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जाहिर है हमारी टीम देखे ना, जब कोई नहीं होता ना तो फिर जो कर रहा होता है उसकी वाह वाही हो रही होती है। मतलब जैसे रिजवान है, बहुत अच्छा, दूसरी टीम अपना कप्तान साहब है, बहुत अच्छा, मगर वो टीम तो नहीं जितवाई उन्होंने, इतने 60-70 रन करके टीम तो उनकी हार गई इसमें। तो ये सब चीजें हम मुवाजना जब करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि यार हम तो ये बात कर रहे हैं कि देखिए आपको पहले 6 ओवर्स में, अब बात लोग जब ये करना शुरू करते हैं कि जी जस्टिफिकेशन देने की, जी जरूरी नहीं है उठा के मारे, नीचे मारे, ऊपर मारे, ये कुछ नहीं होता। सारी दुनिया में ये हो रहा है कि आपके पहले 6 ओवर में आपको 61 रन या 50-60 रन आपने करने हैं, और कर रहे हैं, दुनिया में सब जगह हो रही है, और आप उसको क्या करेंगे उसके बाद जब एक आध विकेट आपकी गिर जाती है उसमें। लेकिन उसके लिए प्लेयर भी होने चाहिए, जो प्लेयर है हमें नजर आ रहे हैं सामने, ठीक है फखर से अभी रन नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको 4 नंबर खिला रहे थे हमेशा, उसने ओपन में किया, शर्जील है उन्होंने ओपन में ही रन किए हैं, ठीक उनसे नहीं, उसमें दूसरा मैटर अगर आ जाता है तो उसमें तो बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, यानी कि फिटनेस में तो मैं नहीं समझता कि हम अपने चहीतों को ले लें और दूसरों को उठा के बाहर कर दें हम, तो ये नहीं होता इसमें, तो ये तो बिल्कुल टोटली गलत हो जाती है। तो हम तो ये चीज दिखा रहे हैं कि हमें वहां पर क्या चाहिए। अब वही बातें सब कर रहे हैं कि यार नहीं, इसमें टीम में थोड़ा सा चेंज होना, थोड़ा ही चेंज होना है, बहुत सारा चेंज तो होना ही नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तरीके से आप करें। तरीका यह है कि आप ऊपर में शर्जील और इसको फखर को लेके आए हैं जी, और उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में आप ये लोग चले जाएं, ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फिर इसी तरह चलाइए, इन लोगों को खिलाइए। लेकिन अब ये जो सब लोग बातें कर रहे हैं ना, इसमें तो देखिए नजर आ रहा है कि ये इनको हटाने के उसमें है कि जी अब चेंजेस हमें लानी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं या और लोग बोल रहे हैं कि जी ये टीम तो वो, तो भाई ये तो हमें नजर आ रहा था ना चीजें, इस शॉर्ट फॉर्मेट में कभी भी कोई 30 रन करके भी मैन ऑफ द मैच हो जाता है, कोई 2 विकेट आखिरी लेके भी मैन ऑफ द मैच होता है, ये फॉर्मेट ऐसा है। लेकिन जब एक टीम पूरी बनाई जाती है ना, तो उसको फ्रॉम द ओपनिंग से लेके और नीचे तक, और उसमें खास तौर पे ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, और फिर जो बीच में एक आते हैं 5, 6, 7, 6, उसमें 2 प्लेयर ऐसे हो जो छक्के मार सकें, यानी उन्हें ऑलराउंडर कहते हैं हम, तो वो होने चाहिए, तो वो उस टाइप के प्लेयर। अब आप कहते हैं जो हो, एक हसन अली ने मार दिए 3-4 छक्के, वो हमें तो मिल गया छक्के मारने वाला, वो भाई हर मैचों में इस इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट में आपको बॉलर बहुत होमवर्क करके आते हैं, लग जरूर जाएंगे आपके, आप में बहुत टैलेंट है कुछ लोग, लेकिन हर आदमी होमवर्क करके आता है, जब वो मार खा लेता है ना तो उसके बाद वो उस पर होमवर्क करते हैं सारा कि जी इसको हमें कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसमें बुरा मानने के बजाय ये है कि इस टीम में बेस्ट पॉसिबल
और एक्सपीरियंस टीम लेके जाए। तौसीफ साहब, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, 3 से 4 नाम हैं जिनकी शमूलियत शायद मुतवक्को हो कौमी टीम के अंदर वर्ल्ड कप के लिए। मैं आपको नाम बता देता हूँ, शुएब मलिक का नाम जो है वो सरे फहरिस्त, बहुत ज़्यादा इस मरतबा जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली सामने आ रहा है कि शायद उनकी इंक्लूजन तो लाजमी हो जाएगी। साथ में शर्जील खान हो गए, सरफराज अहमद हो गए, क्योंकि एज अ बैकअप विकेट कीपर हम आजम खान को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके की अभी कारकर्दगी रही है नेशनल T20 कप के अंदर वो बहुत ज़्यादा मायूसकुन रही है। और सरफराज को हमने देखा है कि एज अ विकेट कीपर भी और एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी जो है वो क्योंकि स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं, साथ में थोड़ा सा एक इस्तेहकाम भी देते हैं इनिंग्स को, तो उनकी इंक्लूजन जो है वो शायद हो सके। और एक स्पिनर में उस्मान खादिर का नाम आ रहा है, क्योंकि शादाब फेल हो रहे हैं, नवाज़ और इमाद वसीम की कारकर्दगी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासरकुन नहीं रही। किस तरीके से देख रहे हैं नामों को आप? जी हाँ, जो आप नाम बता रहे हैं ठीक है, शोएब मलिक तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको होना चाहिए, वो मैच लेके चलता है आगे, और कल भी आपने देखा 30-35 जो भी किए उसने, और पीछे से जो है हसन ने मारे, वो लेफ्टी प्लेयर हैं, उन्होंने चौके 40 रन किए, पता नहीं 50 किए, हाँ उन्होंने, और हुसैन तलब ने, तो वो इसको एक एक्सपीरियंस प्लेयर बीच में आकर जब लेके चलता है ना, तो वो उससे दूसरी टीमें भी डरी हुई होती है, इसलिए कि वो उनको देखा हुआ होता है कि यार ये आउट हो जाएगा, जिस तरह ओपनर से आपके डरते हैं जी, जब ओपनर मारता है ना आपके शहजील, और ये भाई ये हर चीज उनकी बुरी है कुछ, लेकिन इस फॉर्मेट के वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है और उन्होंने दिखाया भी है, शारजा में सेंचुरी भी बनाई है उन्होंने 20 ओवर की क्रिकेट में, तो मैं कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं तो एक चीज बता रहा हूँ। अच्छा जो आप कह रहे हैं यस, लेकिन आप अब्बास वसीम को ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक्सपीरियंस बॉलर है और उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। उस्मान कादिर यस, आप उस्मान कादिर को साथ रखें उसके, और ठीक है अगर मैं तो कहता रहा हूँ अगर शादाब की आप परफॉर्मेंस देंगे तो शादाब तो टीम में आते ही नहीं, फिर अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए वो किस लिए लिया, इसलिए लिया कि जी वो एक्सपीरियंस है, दूसरे वाइस कप्तान बना के उन्होंने हमें वो कर दिया, भाई हम उसके खिलाफ नहीं है, आप ऐसा करें कि ठीक है वो अच्छा है, अभी उसने बॉलिंग अच्छी की है लेकिन बैटिंग उनसे नहीं हो रही, जब करेंगे बैटिंग तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बैटिंग की है। तौसीफ साहब, लेकिन अगर हम शादाब खान की बात कर रहे हैं, PSL के सीजन से हम देखें उनको तो वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं, उन्होंने कुछ दौरे भी किए, बीच में क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जो उनका मेयार था बॉलिंग करने का और साथ में थोड़ी बहुत वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उस तरीके की कारकर्दगी उनसे हो नहीं पा रही PSL के साथ। अगर हम देखें तो तकरीबन 6 महीने का अरसा गुजर चुका है और उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत उनके लेवल से जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो इस वक्त T20 कप क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, अगर उनको रिप्लेस किया जाता है या उन्हीं के साथ कैरी किया जा सकता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, रिप्लेस नहीं होंगे, रिप्लेस नहीं हो सकते, तो टीम के साथ जाएंगे जी, वाइस कप्तान बनाया, दूसरे ठीक है वो एक्सपीरियंस है उसे, बाकी उनसे तो है, लेकिन बात यह है कि क्यों उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, वो खुद भी मान गए ना, मान ये गए कि उनके फोकस सारा बैटिंग पे चला गया, हमें उनकी बॉलिंग चाहिए, हमें उन्हें उनसे आउट वो करें, हमें वो चाहिए, हम उनकी बैटिंग के इतने नहीं, अगर उनकी बैटिंग नीचे आती है वो 25-30 रन बनाते हैं 6-7 नंबर पे जाके 5-6-7 तो ठीक है, अगर वो 3 या 4 नंबर जाते हैं तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है हिसाब किताब, मन किधर है मिडिल ऑर्डर, तो उनका फोकस सारा जो था ना वो फोकस उनका था बैटिंग पे, बहुत फोकस था उनको, बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हमें बॉलिंग चाहिए, उनकी बैटिंग तो हमारे नीचे जाके, अब उनसे पहले हसन अली को भेज दिया जाता है तो किधर गई वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, कहाँ कुछ हो गया, बात ये है कि हमें हर चीज सोच के करनी चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हम ये सोचें यार हम इस प्लेयर से ये काम लेना है हमें और वो उसी के लिए होना चाहिए, अब जरूरी नहीं है एक बॉलर है आप उससे बैटिंग का काम ले लो, भाई ऑलराउंडर बहुत डिफरेंट होते हैं यार दुनिया में, ऑलराउंडर कौन को, हमारे मुल्क में 3-4 तो ऑलराउंडर गुजरे हैं टोटल, अगर सही मानों में देखा जाए 3-4-5 से ज्यादा पूरी हिस्ट्री है उठा के आप देख लें उसमें यही गुजरे, सिवाय सिर्फ 2 छक्के मारने से ऑलराउंडर थोड़ी बच जाता है आदमी, इस तरह थोड़ी होते हैं, तो मतलब ये कि शादाब की जरूरत है उसको लेके जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हाँ उसके साथ उसको भी रखे साथ दूसरे वाले को, ये जो समझ रहे हैं ना बहुत ज्यादा टर्निंग लो स्कोरिंग हो रहा है अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ IPL में क्योंकि UAE के अंदर मैचेस खेले जा रहे हैं मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर, तो वहाँ ड्यू फैक्टर भी जो है वो काफी ज्यादा अहमियत रखता है, आप भी स्पिनर रहे हैं, आपने भी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप हमारे स्पिनर्स को?
अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे रन कम बन रहे हैं, वो भी हैरान हैरान। क्या बात यह है कि वहां की पिचेस कोई ऐसी नहीं है जो आप समझेंगे वहां पर। शारजा की पिचेस यस वो अच्छी पिचेस होती है, वहां पे ग्राउंड भी छोटा है तो उसमें जो है ना हम भी खेले काफी उस वक्त रेड बॉल से हम खेले, लेकिन फिर भी वहां पर जो है छक्के लगते हैं और फ्लैट पिच होती है, मड सारी मिट्टी ही होती है, वहाँ ग्रास विरास का कोई काम नहीं होता। इधर थोड़ी सी ग्रास होती है दूसरी जगहों पे, तो यहाँ जो है ना नीचे से पता नहीं चलता, गेंद वेयर एंड टेयर स्पिन भी होना शुरू हो जाती है बाद में थोड़ा थोड़ा अबू धाबी और दुबई में, और तो इसलिए पाक बॉलर का किरदार अच्छा हो जाता है। अगर यू के आपने तीन तीन तो डालने ही डालने हैं हर हाल में, इसलिए कि दो पेसर डालेंगे आप एक ऑलराउंडर डालेंगे, ये तो आपके साथ है किसी को भी डालें तो वो फिर आप जो है ड्यू फैक्टर का जहां आपने बात की है वो ड्यू फैक्टर आएगा ना, तो ये पेसर ही बचा सकते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है और रिस्ट स्पिनर यानी शादाब टाइप के लेग स्पिनर ये इनसे ग्रिप नहीं होगी। यूं का फिंगर स्पिनर तो ग्रिप कर सकता है थोड़ा, लेकिन उसकी भी ग्रिप नहीं होती है ऑनेस्टली, जब गीला हो जाए बॉल तो बड़ा मुश्किल होता है उसको, तो वो भी अपनी ग्रिप चेंज करके गेंद फेंकता रहता है, किसी तरह करने की कोशिश करता है। लेग स्पिनर तो बहुत मुश्किल हो जाती है बॉल करना, तो आई थिंक मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर का किरदार यस बहुत अच्छा रहेगा और रहेगा, काफी किरदार अच्छा रहेगा। दुनिया की टीमों में आप उठा के देख लें अभी तक जो बनाए उसने अपने पेसर भी डाले हुए हैं चार पेसर, क्योंकि दुनिया के पास इंडिया के अलावा और या श्रीलंका इधर इनके अलावा स्पिनर है नहीं किसी के पास। इंडिया ने अपने तीन चार स्पिनर बेस्ट स्पिनर है वो डाले हुए, और वो भी देखेंगे ना कि कहाँ किसको खिलाना है। उनकी भी पेस बॉलिंग बहुत अच्छी अब तो परफॉर्म कर रही है इंडिया की भी, तो दुनिया की जितनी टीम है वो एक प्रॉपर 15-16 का बेस्ट स्क्वाड लेके आ रहे हैं, जिसमें बैटिंग बॉलिंग स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग और साथ उनके ऑलराउंडर को उन्होंने फोकियत दी हुई है, और वो मिडिल ऑर्डर में आन के जो है वो स्लॉग कर सकते हैं, स्लॉग से मतलब छक्के मारने वाले प्लेयर होंगे। तो ये वो इस तरह ये टीम बनाई जाएगी उनकी, और जाहिर वो पहले आप दुनिया में ये हो रहा है कि पहले 6 ओवर को कैश करते हैं, हम ये नहीं कह रहे जाके अंधाधुंध घुमाना शुरू, पहले 6 ओवर में 50 से 60 रन अगर कोई बना लेता है तो उसका स्कोर कितना भी कुछ कर लें क्लैप्स होने के बाद भी 160 तो नॉर्मली होता है करते हैं, 200 तक स्कोर जाता ही जाता है। फास्ट बॉलर्स की बात की आपने तौसीफ साहब, हमारे पास जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हमारे फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, और अगर हम बात करें इस वक्त नेशनल T20 कप की तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कारकर्दगी भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की रही है, लेकिन अगर हम दीगर नामों के ऊपर गौर करें तो हसन अली की कारकर्दगी बहुत मुतासर कुन नहीं रही, कुछ इंजरी के इशूज़ भी उनके साथ हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको फिट डिक्लेयर किया है और वो सेंट्रल पंजाब की टीम को जो है वो आगे भी रिप्रेजेंट करेंगे टूर्नामेंट के अंदर। हारिस रऊफ को देखें हम तो वो काफ़ी नीचे हैं बॉलिंग की टेबल के अंदर, विकटें उन्होंने काफ़ी कम ली हैं, बाकी भी और फास्ट बॉलर्स की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं दिखाई दे रही हमें, खास तौर पर रावलपिंडी की ट्रैक की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप हमारे फास्ट बॉलिंग लाइनअप को इस वक्त? जो मैंने सारा देख रहा हूँ इसमें दो बॉलर इतने ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं जिनमें हसनैन और धानी वो बहुत पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, 144 प्लस तक जा रहे हैं और हिला देते हैं दूसरे बॉलर को, तो आई थिंक इस वक्त के बेस्ट बॉलर जो हैं वो इस वक्त जो बॉलिंग हो रही है उसमें ये दो बॉलर आप दूसरों को ले सकते। देखें हसन जो है ना, हसन जो है वो उसने बहुत इम्प्रूव किया आने के बाद, वो वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है, है? और वो वेरिएशन में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और हमें बचाता है, तो इस वक्त हमारा वो की बॉलर वो भी है। जहां आप शाहीन अफरीदी की बात कर रहे हैं वहां हसन की भी बात करेंगे हम, तो वो की बॉलर है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसी पिचों के लिए एक से दो बॉलर ऐसे होने चाहिए स्क्वाड में जो दूसरी टीम को हिला के रखे, इसलिए कि छोटी पेस हल्की पेस वाला अब नहीं, अब मार पड़ जाती है आराम से, और जब गीला बॉल हो जाए तो वैसी मुसीबत पड़ जाती है। तो इस टाइप के पेस वाले एक दो बॉलर आपके स्क्वाड में साथ हो ना तो दूसरी टीम हाइप होती है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी, इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, ठीक है मार पड़ती है अपनी जगह, मगर दूसरा बैट्समैन तो आपको फ्रंट फुट पे आन के नहीं खेलता ना, वो तो पीछे घुस के खेलता है, वो कहता है यार तेज। दोनों ने धानी ने और उसने स्नैन ने बहुत तेज बॉलिंग की है, और इसी तरह हम देखें तो शाहीन, यस शाहीन आपने जिक्र किया वो हमें विकेट लेके देता है। हसन को मेरा ख्याल थोड़ा सा रेस्ट इनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं,
क्योंकि हमारा आक्रोश चला आ रहा है, आपने अनफिट की बात की कि थोड़ी प्रॉब्लम उसकी हुई है, उनको ड्रेस दे दे के खिलाओ सबको। ये तो एक हमने अच्छा वो दे दिया है प्लेटफॉर्म यहाँ पे कि हमें जो है ना प्लेयरों को 2020 की प्रैक्टिस मिल रही है, क्योंकि हमारा सारा तो टीमें जाने की वजह से सारा वो शेड्यूल खराब हो गया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त हमें वो मिल रही है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और जरा सी पिच पे आ जाए ना, क्योंकि पिच थोड़ा रुक रहा है, कुछ हो रहा है, बट ये तो इस पार्ट, ये आप पिचों पे अगर इस तरह की हो तो आपको उस तरह मैनेज करके खेलना चाहिए, प्लेयर तो वही अच्छा है जो मैनेज करके खेले। तो आई थिंक आपकी पेस बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग है और आपको लेके देगी वहां पर, परफॉर्म करके देगी। बिल्कुल अग्रेसिव फास्ट बॉलर बॉलर्स की जो है वो पाकिस्तान को ज़रूरत है, और देखना ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं वर्ल्ड कप के दौरान। अपनी इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 के लिए तैयारियां इस वक्त हैं और किस तरीके से फास्ट बॉलर्स डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम होता रहा है इन द रिसेंट पास्ट, और किस तरीके से जो है वो अब कुछ जिम्मेदारियां संभालनी होंगी खिलाड़ियों को। तौसीफ साहब, अगर हम बात करें, आज़म खान हो गए, खुशदिल शाह हो गए, शुएब मकसूद हो गए, आसिफ अली हो गए, ये हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारे मिडिल ऑर्डर को संभालना है वर्ल्ड कप के अंदर। और अगर हम टीम में से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को माइनस कर दें तो बहुत ही कम रन बचते हैं जो ये खिलाड़ी स्कोर करते हैं नीचे आकर। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन बैट्समैनों को परफॉर्म करते हुए? देखिए, शुएब मकसूद तो पुराना प्लेयर है और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी फिटनेस की है, वो आज की नहीं, मैं तो कर बहुत काफी टाइम इनके साथ रहा हूँ, बट इज गुड, बहुत अच्छा है ये, स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त करता है। लेकिन आज के दौर में आपको, मैंने जैसे कहा कि लोग होमवर्क कर देते हैं और आपको फंसाते हैं कि कहाँ, क्योंकि वो उनका बेस सिर्फ जो है हिटिंग पे बहुत होता है, मतलब वो अटैक करते हैं खाली। आप हर मैच में कोई अटैक का टाइम समटाइम नहीं मिलता, बॉलिंग ऐसी हो रही होती है तो आपको दौड़ना भी पड़ता है। तो ये नहीं कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी चाहिए, सिंगल्स पे डबल पे उनमें भी उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो है, बट वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मगर सारा रिदम आपने तोड़ दिया कि जी उनको वहां जाके वनडे खिला दिया, जबकि 2020 में आपको स्क्वाड में रखा और फिर आपने उनको वनडे की स्क्वाड में डाल दिया। फिर इसी तरह और चेंजेस हैं, पता नहीं कोई वनडे का है तो उसको 20 में डाल दिया, और जो 20 में जैसे धानी ने परफॉर्म की तो उसको उठा के टेस्ट मैच में डाल दिया। तो ये चीजें तो वहां पे सारा कुछ होता रहा है और जिसका नतीजा अभी आपके सामने है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, देखिए इस फॉर्मेट में हमारी टीम बहुत जबरदस्त है, दो प्लेयर तो अगर परफॉर्म कर दें तो ये मैच जीत जाता है आज, और शायद हम यही सोच रहे हैं कि शायद बाबर और रिजवान करेगा हम जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा नीचे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन लोगों को देखें, ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं आजम की, खुश दिल की, ये यंगस्टर हैं और यंगस्टर को आप एकदम इतने बड़े कुएं में नहीं फेंकते हैं उठा के, जरूर रखें, वो अच्छे हैं, टैलेंट है, उनको थोड़ा सा टाइम दे दें, साथ रख लें, भले से साथ रख के देखें। असल में हो क्या रहा है, आपकी मिडिल ऑर्डर कर नहीं रहा, आपने 30-35 लड़के जो डेब्यू करा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने इस उसमें, पता नहीं 15-16 लड़के 18 खिला दिए, सबको चेक कर लिया, अब ढूंढ रहे हैं आपके किसको लाएं किसको लाएं। भाई शुएब मकसूद कर सकता है, मैं कह रहा हूँ कर सकता है, देखें अभी होमवर्क किया हुआ है, यहाँ भी बॉलर ने होमवर्क कर दिया। अब आजम खान पे स्पिनर नहीं आएंगे इतनी जल्दी, अब वो फास्ट बॉलर लेके आएंगे, आप सब देख रहे हैं, हम तो अपनी मतलब एक वर्क किया ना, होमवर्क कर लिया ना, मैं बाहर बैठ के कर रहा हूँ वो वर्क, तो भाई हम ऐसा करेंगे कि इसको यहाँ खिलाना है इसको, तो उसमें इन लोगों को फंसाया है। अच्छा दूसरा ठीक है, वो अच्छा है, कुछ दिन नो प्रॉब्लम, नो मतलब ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बट टाइम, अभी टाइम चाहिए आपको, ऐसा नहीं है अगर एक मैच जिता देता है या 3 छक्के मार के आप कहते हैं जी हमें मिल गया, नहीं यार, एक प्लेयर को कम से कम पाकिस्तान के 4-5 साल का
और आपके वक्त को सोच लेता हूँ मैं, चले 3 साल का कम से कम रेगुलर परमानेंट एक होना चाहिए टीम का हिस्सा, मगर वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, एक लॉन्ग रन के अंदर खिलाना चाहिए खिलाड़ियों को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की, तो साथ में हम जिक्र करेंगे ओपनर्स का भी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पिछले चंद बरसों में जो है वो पाकिस्तान के लिए T20 में ओपन करते आए हैं, रन भी बड़े ज़बरदस्त स्कोर किए, लेकिन अक्सर तनकीद होती है क्योंकि दोनों एक ही मिजाज के खिलाड़ी हैं, बहुत लंबी लंबी हिट्स तो नहीं लगाते लेकिन एक रन का फ्लो जो है वो जारी रखते हैं और बड़े ज़बरदस्त रन भी दोनों ने स्कोर किए हैं, एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त है दोनों खिलाड़ियों का। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि UAE के अंदर खेला जाने वाला है, तो शर्जील खान का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि उनको साथ लेकर पाकिस्तानी टीम को जाना चाहिए। और अब क्योंकि तब्दीलियों की बात हो रही है टीम में, तो शर्जील खान का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्कों में जो है वो इस वक्त सामने लाया जा रहा है कि शायद उनकी शमूलियत मुतवक्को हो। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ओपनर्स की जहाँ तक बात है तो दो नाम है, शर्जील खान और फखर जमान। उनके होते हुए आपने मेक शिफ्ट ओपनर्स बनाए, उसके बाद आप नीचे वालों को ऊपर लेके आ गए। ओपनर्स तो आपके ठीक थे ना, अब प्रॉब्लम आ रहा है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप इसी तरह से सोचें कि आप इन दो को, फखर को और शर्जील को ओपन करा दें और उसके बाद नंबर 3 पे आप बाबर को खिलाएं और उसके बाद 4 नंबर पे रिजवान को खिलाएं और शुएब मलिक आ जाएं, तो आपका काफी हद तक तो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया जो भी इस वक्त आपके अवेलेबल है। अच्छा, इवन मिडिल ऑर्डर में जो लड़कों के नाम है, हमारा एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि 2 छक्के या 3 छक्के मारने से आप एक मिडिल ऑर्डर पूरी कर सकते हैं। मैं स्टिल समझता हूँ कि जो लड़के नजर आ रहे हैं मौजूद हैं उसमें सरफराज फिर भी मिडिल ऑर्डर में आई करके देखें बेहतर चॉइस होंगे। अगर उनसे ज्यादा बेहतर कोई आ जाए तो जरूर चांस ले, बिकॉज आपने हुसैन तलत को भी खिला दिया, आसिफ को भी खिला दिया, आजम भी खेल रहा है, वो भी सोहेब मकसूद भी खेल रहा है, तो ये सारे खेले। बट जब तक आप लंबी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आप छोटी क्रिकेट में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकते। अब पावर हिटिंग हम बात तो करते हैं, बट कौन इतना तगड़ा पावर हिटिंग कर रहा होता है कि जो जिसे पीछे का बॉल भी मिले, तेज बॉलर भी मिले, स्पिनर भी मिले, उस पर भी करे। और पावर हिटिंग तो मेरी नजर में तो 6-7 नंबर के बाद का खेल होता है। जो 4-5 नंबर तक वाले होते हैं वो तो बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो चौके भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं। बेसिकली स्ट्राइक रेट आपने रखना है ना 130-140 का, तो उसमें सब सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड हिटिंग या आप छक्के ही मारते हैं। मोस्टली जो हार्ड हिटिंग करने वाले बैट्समैन है वो सिंगल नहीं ले पाते, तो वो डॉट बॉल जब खेलते हैं तो आप निकाले घूम फिर के 110-120 पे खड़े होते हैं कुछ मैचेस में, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल जाते हैं। बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला कोई भी पाकिस्तान में पावर हिटर नहीं है, जो जो एक पावर हिटर की आप डेफिनेशन देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या जो T20 के कामयाब मुल्क हैं उनमें जो हैं। बात करेंगे कुछ PSL की। तौसीफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। रमीज राजा ने एक अहम मुलाकात की PSL के फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। उन्होंने ये गुफ्तगू उनसे की कि अब पहले ड्राफ्ट्स बनाए जाते थे खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए, अब जो है वो उनका ऑक्शन कराने का इरादा है ताकि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाए फॉरन खिलाड़ियों को और उनको एक लंबे अरसे तक के लिए जो है वो टीम के साथ खिलाया जाए। और इस बात के ऊपर टीम मालिकान ने भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। साथ में उन्होंने रेवेन्यू पूल के अंदर से जो एक बड़े शेयर को भी देने का फैसला किया है टीम्स के साथ, ताकि जो उनका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो ज़्यादा बढ़कर मिले। किस तरीके से देख रहे हैं आप रमीज राजा के इन तमाम फैसलों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं फवाद साहब की बात, ज़बरदस्त बात की है, बहुत ज़बरदस्त, जो एक यकीनी तौर पर एक सेंसिबल आदमी बात करता है और बिल्कुल ठीक कहा है। और जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे वही सब कुछ है। हम कोई पर्सनल किसी के साथ नहीं हो रहे, हम फखर को 4-5 खिला के, आपने तो उसको कहा कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, वो भाई वो ओपन ही करता रहा है ना, चलिए अब इसको हम छोड़ देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यस, मेरा ख्याल है रमीज आया है और जाहिर है पहले भी हम बात कर चुके हैं कि दुनिया देखी भी उसको मालूम है क्या है क्या नहीं है, है टास्क उसके लिए बड़ा टीम बनाने में बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट के हिसाब से आई थिंक मेरे ख्याल है को डील बहुत अच्छी कर लेगा इस वक्त, क्योंकि प्लेयरों का तो जो बेंच है सबको पता है कितना बड़ा बेंच हमारे पास है, ये सबको मालूम है और यही घूम फिर के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो चीज की है उनको बाउंड कर लिया जाए बाहर के प्लेयरों को, पहले अब तो आना शुरू हो गए हैं, अब तो माशाल्लाह हमारा ये ब्रांड ने बड़े लोगों को की तबीयत
खराब कर दी है। बड़े मुल्कों जो बड़े अपने आप को सुरमा बनते थे, सीधी सीधी बात है, उनको इंडिया को उनको तो मैंने कहा नाक चने चबा दिए इस लीग ने हमारी। तो हमारा ये मुल्क का बहुत जबरदस्त ब्रांड है और जहां से भी ये शुरू हुआ है सबको मालूम है। हम 5-6 साल बहुत जो है हमने स्ट्रगल की थी, उसके बाद ये जब से हमारा ब्रांड आया हम दुनिया में बहुत सुरखुरु हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। हमारे मुल्क में आ गई क्रिकेट, ठीक है करते रहे जो करना है, बिल्कुल सही है। इनको बाहर के प्लेयरों को बाउंड करना चाहिए, इसलिए क्या कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जी कि नहीं हम नहीं ऐसा नहीं, उसमें वो जाहिर है जो चीज भी उनकी बनाएंगे उसमें यही होगा कि जी अगर आप मिस करेंगे तो इस तरह कुछ होगा। मतलब अच्छा प्लान डेफिनेटली बन रहा होगा जिसको फ्रेंचाइज जो है आप खुद भी बता रहे हैं तो उस पर एग्री कर रहे हैं और खुशी का इजहार है। तो आई थिंक बेटरमेंट के लिए सारे फैसले किए जाएंगे और फिर ये कि उसके बाद यस ये तो अपनी जगह है मगर हमें इंटरनल भी टीम को ये हमारी डोमेस्टिक को देखना पड़ेगा। इसमें बड़े लूप होल हैं, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, इसमें बड़े ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं जो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जिनको शायद नहीं होना चाहिए था और ट्रेंटेड लोग हैं। ट्रेंटेड लोगों को जो है बिल्कुल उन पर नजर रखेगा, ये रखना चाहिए उसको और इसी तरह जो है हमारे मुल्क की क्रिकेट बेहतर हो। फवाद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। रमीज राजा जो है वो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले काफ़ी वो तनकीद किया करते थे पीसीबी के मामलों के ऊपर और अपनी तजावीज़ भी पेश किया करते थे, उनका यूट्यूब चैनल भी था। और अब जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं तो काफ़ी वेल वर्स दिखाई दे रहे हैं वो मसाइल के साथ भी, चाहे वो PSL के हों, डोमेस्टिक क्रिकेट के हों, उनके जो PSL को लेकर इकदाम है किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको? देखिए अब उन्होंने तजवीज़ पेश की है, इस पर मैं आसिफ भी हमने एक प्रोग्राम किया था और हम यही बात कर रहे थे कि जो डॉलर फिक्स्ड करना पड़ेगा एक रेट उनको, बिकॉज आपने जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 104 का डॉलर था, सो अब 170 के करीब डॉलर जा रहा है। अगर आप सोचें एक इन्वेस्टर से आप ये कहें कि जी उसमें और ज़्यादा पैसा लगाए तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी मोहब्बत में, हुब्बुल वतनी में और मुल्क को ज़रूरत है, ऑब्वियसली मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन जब एक इन्वेस्टर होता है तो वो एक जगह पे पैसा लगाता है तो वो उससे मुनाफा कमाना चाहता है। सो हम जब तक उसके लिए एक विन विन सिचुएशन नहीं लेंगे हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, हमें उसका भी सोचना पड़ेगा। और अगर हमें यहाँ इस ब्रांड को बेहतर या आगे की तरफ लेने जाना है जैसा प्रेस रिलीज में लग रहा है कि हमें फिर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। हमें जो प्लेयर्स का जो एक 1.2 मिलियन डॉलर्स का हमारा एक जो हमने कैप लगाया हुआ है उसमें फिर क्रिकेट बोर्ड भी अपना पैसा डाले और दोनों मिलके साथ चलेंगे ना तभी कामयाबी से PSL आगे जाएगा। हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई कि PSL का हमने एक अलग सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया, ये पूरे साल भर का काम होता है। हमारे वही लोग जो क्रिकेट बोर्ड के PCB के साथ होते हैं वो 2 महीने के लिए PSL में चले जाते हैं। इसे एक कंपनी की तरह लेना पड़ता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स को ला के बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलाए। और अब आपकी क्रिकेट को काफी हद तक फंडिंग जो है PSL के प्रॉफिट से होती है जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, तो आपको बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। रमीज राजा आए हैं वो इस चीज को मुझे अंदाजा उनकी प्रेस रिलीज से तो लगा कि समझ रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबली उम्मीद है इसमें बेहतरी आएगी। हम तो जय मैं हूँ या तौसीफ भाई हूँ, हम अक्सर लोग जो भी आता है उसके बारे में पॉजिटिव राय ही रखते हैं और जब कोई उनकी परफॉर्मेंस उसके मुताबिक नहीं हो रही होती तब तनकीद या बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये कि हम कुछ लोगों को पसंद नहीं करते तो उनकी बहुत ज्यादा शुरू से ही उनके बारे में नेगेटिव राय रखना या बात करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना है कि जो भी आ रहा है अगर आपने उसे अपॉइंट किया है आपने उसे कुछ महीने देने होते हैं जिसमें वो डिसीजंस लेता है, उन डिसीजंस के बेसिस पे हम फैसला करते हैं कि ये सही ले रहा है या गलत ले रहा है। बदकिस्मती हमारी है कि हम वहां भी पसंद और नापसंद के बेसिस पे लोगों के बारे में राय कायम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि काम हमारा ये है कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जो खेल रहा होता है उसके खेल की परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, रादर के उसकी शख्सियत पे। हम शख्सियत पे बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं, रादर के उस रोल पे जो रोल उसे अदा करना है उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तौसीफ साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, बात करेंगे कुछ वुमेन्स क्रिकेट की पाकिस्तान की। और आज एक अहम फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब साबिक बैडमिंटन चैंपियन हमारी नेशनल चैंपियन रही हैं जनाब तानिया मलिक साहिबा, उनको PCB ने हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट तैनात किया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? यार एक्चुअल मैं सच बताऊं मैं इतना फॉलो इसको करता नहीं हूं। हाँ थोड़े अर्से से मैं देख रहा हूं सारा कुछ, लेकिन फवाद इसमें
ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे एक ही चीज हो रही है कि बैडमिंटन की प्लेयर को क्रिकेट में लाना पता नहीं मुझे तो अजीब सा लगा है, और फवाद इसको ज्यादा डिस्क्राइब ठीक तरीके से कर पाए। फवाद साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा इसी सवाल को लेकर कि काफ़ी लोगों ने जो है वो सरप्राइज का इजहार किया है कि एक फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन को वुमेन क्रिकेट का सरबराह बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और कुछ हलकों में इस बात को खुश आइन तौर पर भी लिया गया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनका क्रिकेट से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रहा है माजी के अंदर, तो वो फेवरेटिज्म को और कुछ जो चीज़ें गलत हो रही थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर उन मामलों को ठीक करेंगी। किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं? देखिए वजाहत, आप को मैं सिर्फ ये बता दूं, हमारे यहाँ होता ये है कि हम जब पूरी चीज किसी के बारे में आती है ना, वो पढ़ते नहीं है। अब हमने कहा कि जी फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन को लगा दिया, वो मेरी ना कोई रिश्तेदार है, उनका ताल्लुक लाहौर से है, मेरा कराची से है, लम्स की ग्रेजुएट हैं और उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया है, मतलब वर्ल्ड बैंक का भी आ रहा है, उनके साथ भी काम किया है, स्पोर्ट्स से वाबस्ता है बिकॉज बैडमिंटन चैंपियन रही है। विमेंस क्रिकेट का हेड आप और किसको लगाएंगे? आपके पास अगर नाम हो तो तीन चार नाम है, शाजिया खान है, किरण बलोच थी क्रिकेट से रिलेटेड, उसके बाद सना मीर हो गई, उरूज हट गई हैं। सो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपको मिलेगा आप उसको ही लगाएंगे। सो मुझे नहीं पता कि और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद थे, बट एक चीज जो नजर आ रही है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड खातून है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, लम्ब से पड़ी हुई है, तो सीवी बजाहिर एक रीजनेबल नजर आ रहा है। हम ये समझ रहे होते हैं कि जी बैडमिंटन वाले का क्रिकेट में, नूर खान साहब ने जरा मुझे बता दीजिएगा, सब बातें करते हैं बड़े बड़े क्रिकेट या स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे ऊपर मार्शल नूर खान साहब का नाम आता है, जिन्होंने कभी ये खेल नहीं खेला, लेकिन आप किसी से भी उठा के पूछ ले कोई ये नहीं कहेगा कि उनसे बड़ा कोई स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेटर आया। सो हमें भी ना थोड़ा सा तारीख का और मुताला करते रहना चाहिए कि जो चलाने वाला कामयाब तरीन इस शख्स आया है इस मुल्क में खेलों को, वो एयर मार्शल नूर खान थे। सो मुझे बात उसके बाद कोई बता दे कि कौन कौन आए, कारदार साहब भी रहे, बहुत बड़े पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, उसके बाद और कौन जो नहीं रहा, लेकिन हम कामयाबी में नूर खान साहब का बात करते हैं कि नूर खान साहब ने तो क्रिकेट खेली भी नहीं थी। सो हमें जो भी आए सिर्फ उसके बेसिस पूछने चाहिए कि जी उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। अगर ये खातून को आप बना रहे हैं तो इनके साथ और कुछ लोगों को भी इंटरव्यू किया था या उनसे बात की थी, या आप किस बेसिस पे बना रहे हैं और आपने क्या क्राइटेरिया रखा है। हम शख्सी उस पर आ जाते हैं कि जी बैडमिंटन, भाई बैडमिंटन चैंपियन, आप मुझे सिर्फ सवाल ये होना चाहिए कि जी आपके क्या बेसिस थे, आपने क्या इस पोजीशन के लिए, इस रोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए थी, स्पोर्ट्स का क्या एक्सपीरियंस चाहिए था, किसी इदारे को चलाने का क्या एक्सपीरियंस चाहिए था, उस पर बताएं कि आपके पास और कौन रोल लोग थे और उनमें से आपने इन्हें क्यों सेलेक्ट किया, ये सवाल बनता है। हम उसी पे चले जाते हैं कि यार वो बैडमिंटन खेलती हैं, वो हॉकी वाली हैं, हमें बेसिस पे सवाल करना चाहिए हम। और उसके बाद होता है कि किसी खातून की तस्वीर भी अभी पीसीबी ने नहीं भेजी, वो भी कहीं ना कहीं से आ जाती है, वो सोशल मीडिया पर लगा देते हैं और उसके बाद फिर खातून या मर्द उसके बारे में शुरू हो जाते हैं। सर बाप सवाल हमेशा टेक्निकल और बेसिस पे करेंगे, जी बेसिस क्या है, उसका वो जवाब दे देते हैं, ठीक है दो महीने तीन महीने इंतजार करें, पता चल जाता है कि वो किस तरह से चला रहे हैं। तौसीफ साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा दोबारा, बात करेंगे हम नेशनल T20 कप के बारे में। कुछ टीमों के अंदर जो है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट लग रहा था टीमों का, और इस तरीके से लग रहा था कि बलूचिस्तान की टीम की अगर खासतौर पर हम बात करें तो बहुत ही एक वीक सी T20 की टीम नज़र आ रही थी, कोई बड़ा नामवर खिलाड़ी भी टीम के अंदर शामिल नहीं था, खासतौर पर हम बात करें वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड मेंबर्स की तो उसके अंदर एक भी इस तरीके का मेंबर नहीं था, और कई खिलाड़ी जो हैं वो जो T20 स्पेशलिस्ट थे या पाकिस्तान के कैंप्स के अंदर रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में, वो उनको मौका नहीं मिल रहा था अपनी टीमों के अंदर खेलने के लिए, तो पीसीबी ने लोन विंडो जो है वो ऑफर की और मौका दिया है टीमों को रीजन्स की कि वो कुछ खिलाड़ियों को एक टीम से निकालकर दूसरी टीम में ले जाएं अगर उन्होंने कोई मैच अब तक इस सीज़न के अंदर नहीं खेला है। कल हमने देखा अब्दुल्ला शफीक को जो है वो बलूचिस्तान ने ले लिया, इसी तरीके से समीन गुल का भी ट्रांसफ़र हुआ अपनी टीम से, किस तरीके से देख रहे हैं इस इकदाम को? देखिए उस लिहाज से तो ठीक है कि प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, लेकिन हमने तो बड़ा लोगों को देखा कि वो बाहर बैठे रहते हैं और खेलते नहीं है, PSL के जो हैं वो पार्ट होते हैं, अगर PSL नहीं खेल रहे होते पाकिस्तान टीम से खेल रहे होते हैं और इसी तरह उल्टा इस तरह हो रहा होता है, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट हुआ है तो वो मस्ट PSL खेले,
ठीक है, फ्रेंचाइज की मर्जी है, वो खिलाए ना खिलाए वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान टीम का मेंबर है वो अगर नहीं खेल रहा पीएसएल तो है। अच्छा ये बड़ी ठीक है, अच्छी बात है, जरूर किया, लेकिन इस पे भी तो उंगलियां उठ रही थी ना कि यार ये बाहर बैठे हुए हैं सब और ये क्या है, इनको तो खिलाता ही कोई नहीं है, किस नहीं है। और एक यही बलूचिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लेयर एडजस्ट हो सकते हैं। आप बाकी जगहों पर देख लें तो पहले से ही इनकी सिलेक्शन में ऐसा हो जाना चाहिए, पहले से बातचीत करने के बाद इनको लेके, जब दो दो मैच तीन तीन मैच हार जाएं उसके बाद आप करते हो और फिर दूसरी पॉलिटिक्स भी इसके अंदर शामिल हो काफी कुछ, तो शोर शराबे तो बलूचिस्तान की साइड से पहले भी उठते रहे, चाहे वो छोटी लेवल की क्रिकेट हो या सिलेक्शन हो या और चीजें हो, जाहिर है मिलना चाहिए वहां के लोगों को, मगर बात यही है उस टीम को अच्छा करने के लिए बाहर से टीम जाहिर प्लेयर कम है उनके पास, तो जो है वो उन्हीं को खिला सकते हैं, मगर वो इंस्टेंस ये होता है कि 11 के 11 प्लेयर खेलें तो बहुत मुश्किल होता है, आप कंपटीशन बहुत खराब हो जाता है, तो इसमें दो तीन प्लेयर डालें। यस उसमें इंजमाम साहब के भतीजे भांजे साहब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, है दो तीन चार प्लेयर, बट आई थिंक वो चीज नहीं है जो एक होनी चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्मेट है ठीक है, किसी वक्त कोई भी टीम आ सकती है, बट नजर आता है ना सामने की कौन सी टीम क्या है, तो आई थिंक उस लिहाज से ठीक है, ये अच्छा है एग्जाम के भाई जो नहीं खेल रहा है, लेकिन ये इसीलिए किया गया है कि जो बाहर बैठे हैं और एक टीम को और तो टीमें नहीं चेंज करेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कि और टीम है भाई, इसी टीम में कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है करके देख लें। बात वही आती है कि आपसे घूम फिर के यही सब प्लेयर हैं और ठीक है इनको चांस मिल जाए तो अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तौसीफ अहमद साहब और फवाद मुस्तफ़ा साहब। बात हमने की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो इस वक्त कुछ खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में कुछ तब्दीलियों के इम्कान हैं और जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी रही है खासतौर पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की वो इतनी मुतासर कुन नहीं रही है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।